भगवान की कथा ही एक ऐसी कथा है जो प्राणी मात्र को आनंदित करती है। सुख का विलोम है दुख, जीवन का मरण, यश का अपयश, हानि का लाभ, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। भगवान ही आनंद स्वरूप हैं। भगवान की कथा में, उनकी लीला में, उनके नाम में, उनके रस में और उनके रूप में जब हम निमग्न हो जाते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। और भगवान आनंद स्वरूप हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। तो भगवान की कृपा से ही ये सत्संग का लाभ और उनका चरित्र गाने का अवसर हमको सबको मिला है। सभी जितने कॉलोनी वासी हैं, यहाँ दिल्ली निवासी, उनको हम और आप सभी को, पत्रकार बंधुओं को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और जो है ये बताइए, इससे आपका जुड़ाव कैसे रहा, आपका कब से जुड़े इच्छे थे से? बचपन में हमारे यहाँ स्वामी जी आते थे, कथा होती थी प्रतिवर्ष हमारे गांव में। मैं बहुत छोटा था, वो मुझे बहुत स्नेह करते थे, अपने पास गद्दी में बैठाते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप संस्कृत की पढ़ाई करें और श्रेष्ठ वक्ता बने। फिर नैमिष में पढ़ाई किया, फिर बनारस और अयोध्या से व्याकरणाचार्य करने के बाद थोड़ा जीवन में परिवर्तन आया कर्मकांड की तरफ। लेकिन ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री गुरुदेव जी महाराज, नरहरिदास जी महाराज, गोरे बाबा जो बहुत सिद्ध संत थे, उनकी कृपा हुई। उन्होंने कहा भगवान का चरित्र गाने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अघ की रहाई हरिचरित बखाने, भगवान के चरित्र को गाने वाले के और सुनने वाले के दोनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये जीवन का बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। कर्म तो सब लोग करते हैं, चींटी से लेकर के पागल मूर्ख सब लोग कर्म करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, तो पूज्य गुरुजनों के आदेश से इस तरफ हमारी रुचि हुई, रुझान हुआ जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ कि आप जो है वाकई भक्तों को बहुत आप सेवारत रहते हैं जी। मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी, साधुवाद। और बता दें कि मेरे साथ वीरेंद्र झा जी जुड़ चुके हैं। वाकई आपको तिलक से आपको प्रतीत होता होगा, वाकई कितने प्रभु के प्रति लीन रहते हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि आखिर इनका क्या विचार है, इस भागवत कथा में ये आए हैं हुए हैं। हाँ जी, वीरेंद्र झा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु की आज्ञा से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार युग हमारे यहाँ हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में 100,000 वर्ष की आयु होती थी मनुष्य की, त्रेता युग में 10,000 की, द्वापर में 1,000 की और कलयुग में 100 वर्ष की। तो कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए, माने आनंद को प्राप्त करना, जिसको हम तो भगवान को बात, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चा जो आनंद है, सतत रहने वाला जो आनंद है, वो केवल और केवल भगवान की प्राप्ति से हो सकता है। और सतयुग की तरह हम अभी ये तपस्या नहीं कर सकते, त्रेता युग की तरह हम हवन यज्ञ नहीं कर सकते और द्वापर की तरह हम मूर्ति पूजा भी नहीं कर सकते। इसलिए कलयुग में कहा गया है हरेर्णाम 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 एव केवलम कलो नास्त्यव 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 गति अनंथा। कलयुग में केवल और केवल हरि नाम के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और आज के दिन में इतने लोग कर्मबद्ध हो गए हैं, या ये कहिए वास्तव में मनुष्य नाम का चीज़ नहीं बचा है। कलयुग चार जगह विराजमान होते हैं, जहाँ मांसाहार हो रहा हो, जहाँ मदिरापान हो रहा हो, जहाँ जुआ हो रहा हो और जहाँ अनैतिक संबंध वेश्यावृत्ति हो रही हो, यहाँ कलयुग है। और यही चार काम आज समाज में व्याप्त है किसी न किसी तरह से, इसलिए हर घर में कलह व्याप्त है। तो कलह में लोग भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो एकमात्र उपाय बचता है कि हम किसी तरह से नामाभास उसे दे पाएँ, और नामाभास देने का एकमात्र उपाय है भागवत कथा। गाहे बगाहे अच्छे बुरे किसी न किसी से, जो लोग यहाँ आ जाता है एक बार राधे तो कही जाता है मुँह से, ठीक ना। तो राधे कहवाने के लिए साधन, वो भागवत कथा 7 दिन की नहीं है। जब सुखदेव गोस्वामी जैसे कथावाचक और परीक्षित महाराज जैसे श्रोता जब बैठे तो 7 दिन अविरल चलता रहा, तब जाकर ये 7 दिन का भागवत कथा हुआ था। उसमें भी पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण जब तक राधा शब्द ना हो तब तक भागवत कथा पूर्ण नहीं होती। और पूरी भागवतम में 18,000 श्लोक के अंतर्गत एक बार भी राधे शब्द नहीं है,
रा कहते ही हमारे सुखदेव गोस्वामी ध्यानस्थ होने लगते थे। तो पूर्ण नहीं है, लेकिन उनके लिए भी 7 दिन का चला था और परीक्षित महाराज को इस शरीर के अभिमान से मुक्ति मिली थी, उन्होंने ब्रह्म तत्व को समझे थे। तो हम कम से कम प्रयास कर रहे हैं कि भागवतम के माध्यम से इस एक बार ने एक बार उस राधे नाम को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें, इसलिए भागवत साप्ताहिक ज्ञान चल रहा है। आपके साथ जुड़े बहुत अच्छा लगा। अभी ये वीरेंद्र झा जी से अभी आप सुन रहे थे कि कैसे आदमी जो है अपना जीवन यापन किस हिसाब से जिए, कैसे भगवत प्रेम में अब जुनून आए, जो भागम भाग की जिंदगी से कैसे प्रभु का नाम लें, इसके बारे में अभी आप सुन रहे थे। दिल्ली से मैं संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट।